हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनपुट हाइपोथेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। जब आप एक लैंग्वेज को सिखा रहे हैं तो उसके लिए ये हाइपोथेसिस दी गई थी कि सेकंड लैंग्वेज जो है उसका को किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं बच्चे, यानी सीख नहीं बल्कि जिस तरह से उन्होंने एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज को या नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर किया था, वो सेकेंड लैंग्वेज को भी उसी तरह से एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए ये हाइपोथेसिस जो है दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली ये एनसीईआरटी की बुक में जो है वहाँ पे भी मेंशन की गई है कि जब टीचर जो है वो किसी बच्चों को जब लैंग्वेज सिखा रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रही है सेकेंड लैंग्वेज, तो उसमें क्या है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए या इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है या एनसीईआरटी जो है उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं क्या है ये हाइपोथेसिस, किसने दी। तो द इनपुट हाइपोथेसिस आल्सो नोन एज मॉनिटर मॉडल, इस हाइपोथेसिस को मॉनिटर मॉडल भी कहा जाता है। तो मॉनिटर मॉडल लिखकर आए या इनपुट हाइपोथेसिस सेम थिंग है, ठीक है। इज अ ग्रुप ऑफ फाइव हाइपोथेसिस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलप्ड बाई द लिंग्विस्टिक स्टीफन क्रेसन, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट हाइपोथेसिस जो है वो पांच हाइपोथेसिस हैं उनका एक ग्रुप है, यानी इनपुट हाइपोथेसिस में क्या है, पांच हाइपोथेसिस दी गई हैं, उसके पूरे ग्रुप को इनपुट हाइपोथेसिस कहा गया है। और ये जो हाइपोथेसिस है वो किस लिए दी गई थी, सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए दी थी स्टीफन क्रेसन ने। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन क्रेसन के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला इस हाइपोथेसिस को देते हुए कि जो बच्चा है वो अपनी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, जिस तरह से उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखा है। तो उन्होंने क्या इसमें बुक को क्या है, द ये जो हाइपोथेसिस है उसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1977 में। अब हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्रेसन ने इस हाइपोथेसिस में क्या चीज़ जो है वो बताई है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेसन वाइडली नोन एंड वेल एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल एंड डज नॉट रिक्वायर टीडियस ड्रिल, यानी उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से आपको पता है कि हम नेटिव लैंग्वेज को अपने क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो लैंग्वेज का जो एक्विजिशन होता है उसमें किसी भी तरह की कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्शियस क्या होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को में लग के, ध्यान लगा कर आप उसे सीखें, जैसे हम किताब में या रूल्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ें, समझें, कोई हमें सिखाए, वो नहीं होता है। उसमें क्या करते हो आप, लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल को एक्वायर करते हो, अपने आप से ही क्या उनका संग्रहण करते हो, आप सुनते रहते हो और सुन सुन के क्या उस चीज़ को आप सीख लेते हो। उसके लिए आपको क्या ग्रामर को पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को कैसे सीखा आपने, क्या आप उसको पढ़ा पहले फिर सीखा, नहीं, पहले आपने क्या सुन सुन के उसे सीखा। तो वही बोला है कि इसमें क्या होता है कि जब लैंग्वेज एक्वायर की जाती है तो उसके लिए हमें क्या है, कॉन्शियस होके किसी रूल को समझना नहीं पड़ता, या कोई बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग या नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक्विजिशन रिक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज नेचुरल कम्युनिकेशन, यानी एक्विजिशन कैसे होता है कि हम अगर जो भी लैंग्वेज बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसके सामने वो उस लैंग्वेज को एक नेचुरल कम्युनिकेशन फॉर्म में बोलते रहें, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसके सामने बोलते रहें, यूज़ करते रहें, बच्चा क्या है इन विच स्पीकर आर कंकर्ड नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर यूटरेंस बट विद द मैसेजेस दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी वहाँ पे जो भी बच्चा जो सुन रहा है वो उसको क्या कर ले, नेचुरल वे में एक्वायर कर रहे हैं। यानी कि हम क्या करें, वहाँ पे बच्चे के सामने जो भी हम भाषा उसे सिखाना चाह रहे हैं वो उसके सामने नेचुरल वे में बोले, वो उसे सुने और सीखे, ना कि क्या कहते हैं, जो भी उसको सीखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और यूटरेंस बट विद मैसेज दे कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंड, यानी वो चीज़ों को क्या है, जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसे बस समझे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट हाइपोथेसिस में।
कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है इनपुट यानी कुछ देना और कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझ, यानी जो हमें बच्चे को कुछ भी जो भी चीज़ें बोलनी है वो कैसी बोलनी है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं हम उस लैंग्वेज से रिलेटेड वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज़ द क्रूशियल एंड नेसेसरी इन्ग्रीडियंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी बच्चा किसी लैंग्वेज को तभी सीख सकता है जब हम उसके सामने क्या है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दें, यानी जो उसे समझ में आए ऐसे बात बोलें, ठीक है, ऐसा ज्ञान दें। द बेस्ट मैथड आर देयर फॉर दोज दैट सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लो एंजाइटी या फिर एंजाइटी फ्री सिचुएशन, यानी इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए और ग्रहण कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि जो माहौल है जो सिचुएशन है वह कैसी होनी चाहिए, एंजाइटी फ्री होनी चाहिए, यानी किसी तरह की उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उस पे। जैसे अगर हमने उसको बच्चे को जब उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर किया, अगर हम ऐसा माहौल बनाते जल्दी सीखो जल्दी बोलना सीखो जल्दी कहना सीखो, तो वो क्या होता है वो डरता प्रेशर में रहता वो चीज़ों को नहीं सीख पाता। हमें एक फ्री माहौल देना है उसे एकदम कूल कि वो आराम से उस पे कोई प्रेशर ना, आराम से वो जैसा भी सीख रहा है टूटा फूटा कैसे भी सीख रहा है लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ों को ग्रहण करें, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ें हम उसके सामने बोलें और उनको वो समझे और उसको फिर वो ग्रहण करे एक एंजाइटी फ्री सिचुएशन में। तो उन्होंने जो क्रेशन स्टीफन क्रेशन है उन्होंने दो चीज़ों पर जोर दिया कि जब बच्चे एक सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करे तो पहली बात उन्होंने कही कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होना चाहिए और दूसरी बात एक ऐसा होना चाहिए एंजाइटी फ्री सिचुएशन होनी चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उन्होंने यूज़ किए अपनी इस हाइपोथीसिस में। अब देखते हैं कि जो ये जो हमारी क्रिशन ने जो थ्योरी दी इनपुट हाइपोथेसिस में जो पांच हाइपोथेसिस मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाया ना, तो वो पांच हाइपोथेसिस क्या है क्योंकि उन्हीं पे पूरी हाइपोथेसिस जो है वो बेस्ड है। तो वो जो पांच हाइपोथेसिस है तो आपको नाम पता होने चाहिए उन पाँचों हाइपोथेसिस के। पहला है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरी है मॉनिटर हाइपोथेसिस, इसीलिए इसे मॉनिटर मॉडल भी कहा जाता है ना, तीसरा है इनपुट हाइपोथेसिस, चौथा है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस और पांचवी है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो इसे ये पांचों नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए और इन पांचों हाइपोथेसिस में क्या बात है वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक एक करके भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्रिशन की इनपुट हाइपोथेसिस में एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या कहती है या किससे रिलेटेड है ऐसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, नाम से पता चल रहा है आपको एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। तो इसमें उन्होंने ये बात की है कि बच्चा जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर किया। तो इसमें उन्होंने एक्विजिशन और लर्निंग दोनों चीज़ों की बात की है। दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फाइव हाइपोथेसिस इन द क्रिशन थ्योरी, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट फंडामेंटल यानी बेसिक है इस पूरी हाइपोथेसिस का जो बेस है वो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस ही है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो जोर ही दिया है ना कि बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज को भी लर्न ना करे बल्कि एक्वायर किया करे, और इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्रिशन देयर आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज परफॉर्मेंस। कौन से दो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं जब एक हम विदेशी भाषा को सीख रहे हैं? तो पहला होता है द एक्वायर्ड सिस्टम और दूसरा होता है द लर्न सिस्टम। एक्वायर्ड सिस्टम क्या होता है? द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या है? ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें मतलब ये वो सिस्टम है जिसमें एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है। सबकॉन्शियस प्रोसेस यानी जिसपे क्या है कि हमारा माइंड जो होता है सबकॉन्शियस होता है, हमें किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, ईजिली हम कूल होकर चीज़ों को सीखते हैं जिस तरह से हमने क्या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा है। इट रिक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, इसमें क्या होना चाहिए, बस बच्चा जो है जिस भी लैंग्वेज को सीख रहा है उसके जो टारगेट लैंग्वेज है उसके सामने मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता रहे, यानी मीनिंगफुल चीज़ें जो हैं उसके सामने आती रहे बार बार, वो उनसे इंटरेक्ट होता रहे और इंटरेक्शन के थ्रू ही क्या है उस लैंग्वेज को वो एक्वायर कर लेगा। दूसरा क्या सिस्टम है? द लर्न सिस्टम, और आप कह सकते हैं लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्शियस प्रोसेस। तो ये क्या थी? ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस थी, लेकिन लर्निंग क्या है? ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है जिसमें प्रॉपर आपको ध्यान देना होता है,
कि क्या रूल हैं, कैसे सिखाया जा रहा है, आपको बुक देखनी पड़ती है, आपको रूल पढ़ने पड़ते हैं, माइंड को कैसे कॉन्शियस करना पड़ता है, पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो मेनली देखा जाए तो उन्होंने अपनी इस फर्स्ट हाइपोथीसिस में बस ये बताया कि एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है। सेकेंड हाइपोथीसिस है द मॉनिटर हाइपोथीसिस। ठीक है, इसमें क्या है, दिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। यानी उन्होंने बताया एक्विजिशन क्या है, लर्निंग, फिर जो मॉनिटर हाइपोथीसिस है उन्होंने बताया कि एक्विजिशन और लर्निंग में दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि मॉनिटर हाइपोथीसिस जो है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें क्या बताया, एक्विजिशन और लर्निंग जो है उसमें किस तरह से रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एक्विजिशन सिस्टम इज द यूट्रेंस इनिशिएटर व्हाइल द लर्निंग सिस्टम परफॉर्म्स द रोल ऑफ द मॉनिटर ऑफ द एडिटर। तो कृष्ण ने क्या बोला कि एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन है कि किस तरह से हम किसी भाषा को ग्रहण करते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, उसका इनिशिएटर है। ठीक है, लेकिन लर्निंग क्या है, लर्निंग है उस भाषा को मॉनिटर करना या एडिट करना, यानी जो भी भाषा आपने सीखी है उसमें क्या कमी है, कहाँ पे उसे एडिट करने की ज़रूरत है, यानी मॉनिटर करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखिए, आप जब किसी अपने नेटिव लैंग्वेज को आपने सीखा, जैसे हिंदी को आपने सीखा अपने घर में, उसके बाद भी आप स्कूल में जाके उसे पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, राइट? तो क्यों लर्न कर रहे हो, ताकि जो भी आपने सीखा है उसमें कहाँ पे कमियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, किन शब्दों को आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है वो एडिट करते हो, आप मॉनिटर करते हो। किस लिए, ताकि आपकी भाषा जो भी आप बोल रहे हो वो और ज़्यादा अच्छे से आप निखर के आए। तो द मॉनिटर एक्ट इन अ प्लानिंग एडिटिंग एंड करेक्टिंग फंक्शन। द रोल ऑफ मॉनिटर इज़ टू गिव स्पीच अ मोर पॉलिश्ड अपीयरेंस। यानी आपकी भाषा जो है वो कैसी हो जाए, और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाए। इसीलिए हिंदी दो व्यक्ति बोलते हैं, एक पढ़ा लिखा और एक बिना पढ़ा लिखा, तो दोनों की बोली में आपको काफ़ी अंतर पता चलता है, क्योंकि उसने, दोनों ने एक्वायर तो किया है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसने उसे लर्न किया है। लर्न करने से क्या है, उसने, उसकी भाषा कैसी होगी, मोर पॉलिश्ड होगी। उसने मॉनिटर कर लिया कि कहाँ कहाँ मेरी भाषा में कमियाँ थी, गलती थी, उसको उसने एडिट कर लिया, करेक्ट कर लिया। तो इसीलिए इसको मॉनिटर हाइपोथीसिस भी कहा जाता है, कि हम लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसको कैसे सिखाएं बच्चों को, कि पहले हम उन्हें पूरा माहौल दें जिससे बच्चे जो है वो भाषा को एक्वायर करें, उसके बाद हम उनको लर्निंग कराएं, यानी कि हम लर्निंग ना कराएं बल्कि क्या, मॉनिटर करें, जहाँ पे भी उनकी कमी है, जो भी उन्होंने गलत सीखा है या रह गई है कोई चीज़ें, तो उसको हम सिखाएं और उनकी लैंग्वेज को और ज़्यादा पॉलिश्ड करें। थर्ड हाइपोथेसिस इसमें आती है द इनपुट हाइपोथेसिस। अब इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कुछ देना। ठीक है, तो द इनपुट हाइपोथेसिस ओनली कंसर्न्ड विद एक्विजिशन नॉट लर्निंग। जो इनपुट हाइपोथेसिस है वो किस पे कंसंट्रेट करती है, सिर्फ एक्विजिशन पे, लर्निंग पे नहीं। यानी बच्चों को क्या है, हमें ऐसा माहौल देना है, ऐसे इनपुट्स देने हैं कि बच्चे उस लैंग्वेज को एक्वायर करें, ना कि लर्न करें। दिस स्टेट्स दैट लर्नर इम्प्रूव एंड प्रोग्रेसेस व्हेन ही रिसीव सेकेंड लैंग्वेज इनपुट दैट इज वन स्टेप बियॉन्ड हिज करंट स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो ये हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि जो भी बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा है उसे हम क्या दें, हम इनपुट्स दें, और वो इनपुट कैसे होने चाहिए, उसकी जो करंट सिचुएशन है उसके, उससे वन स्टेप बियॉन्ड होने चाहिए। यानी एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लिया एक बच्चा है, उसको ABCD आती है, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब वो ABCD क्या हो गई, उसकी फर्स्ट स्टेप हो गई, अब उससे आगे का इनपुट आप दोगे उसे, जैसे कि अब आप उसको वर्ड बनाना सिखाओगे उसे ABCD का हेल्प करते हुए, कि कार क्या है, बैट क्या है, बॉल है, स्मॉल स्मॉल, लेकिन वो क्या है, वो जो भी वो वन स्टेप में उससे आगे की उसको नॉलेज दोगे। तो जैसे कि इफ़ अ लर्नर इज़ एट स्टेज आई, यानी जो जिस स्टेज पे वो है उसको हमने आई के नाम से दे दिया, देन एक्विजिशन टेक प्लेस व्हेन ही इज एक्सपोज टू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दैट बिलोंग्स टू लेवल I+1। यानी जब हमने उसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिए, यानी ऐसे इनपुट दिए जो उसे समझ में आए, ठीक है, तो वो किस लेवल पे पहुंच जाएगा, I+1। I+1 यानी आई जो उसकी करंट सिचुएशन है, प्लस हमने उसे एक इनपुट दिया जो कि उसके करंट सिचुएशन से बेहतर है, ज़्यादा है, आगे का स्टेप है, तो वो किस पोजीशन पे पहुंच गया, I+1 पे। तो इनपुट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बच्चा I से I+1 की लेवल पर पहुंचता है।
ठीक है. दिस इज़ द की ऑफ डिज़ाइनिंग अ सिलेबस इन दिस वे ईच लर्नर विल रिसीव सम I+1 इनपुट दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हिज करेंट स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. तो ये इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, ये की है जब हम सिलेबस को डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी. तो हमें सिलेबस कैसे डिज़ाइन करना होता है, ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि बच्चा जो है वो क्या रिसीव करे, I+1 रिसीव करे, यानी जो पहले की क्लास में वो सीख कर आया उससे आगे की चीज़ को ग्रहण करे, है ना. अगर वो फिफ्थ से सिक्स की क्लास में आ रहा है तो सिक्स का सिलेबस कैसा होना चाहिए, फिफ्थ का सिलेबस प्लस वन, यानी फिफ्थ जो भी वो सीख कर आया है उससे आगे की चीज़ों को वो सीखे, इस तरह का होना चाहिए. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो सिलेबस डिज़ाइन है वो किस इनपुट हाइपोथेसिस कि किस हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, ये क्रेशर होल की थ्योरी के हिसाब से किस हाइपोथेसिस पे बेस्ड होना चाहिए, तो I+1 या इनपुट हाइपोथेसिस पे बेस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट हाइपोथेसिस है द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या है, इसमें अफेक्टिव फिल्टर का रोल है, ठीक है. अ नंबर ऑफ अफेक्टिव वेरिएबल्स प्ले अ फैसिलिटेटिव रोल इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी बहुत से अफेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं जो कि सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में रोल प्ले करते हैं, यानी उसको सीखने में एक्वायर करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है. अफेक्टिव वेरिएबल्स क्या हैं, अफेक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो वेरिएबल हैं वो किसी भी भाषा को, जो भाषा बच्चा सीख रहा है, जो उसकी सेकेंड लैंग्वेज है, उसको सीखने में क्या करते हैं कि सीखने में हेल्प करते हैं. ये होते हैं जैसे कि मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनजाइटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट. यानी अगर हम बच्चे को, क्या है, क्रेशन होन ने क्लेम किया कि अगर हम बच्चे को, हाई मोटिवेटेड बच्चा है कोई, लर्नर है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उसमें हाई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई है, और जो एनजाइटी का लेवल है यानी कि चिंता या डर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है. लेकिन अगर क्या है, लो मोटिवेशन है, लो सेल्फ एस्टीम है और एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, उसके अंदर मेंटल ब्लॉक आ जाता है, दैट प्रिवेंट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एक्विजिशन. तो वो मेंटल ब्लॉक क्या करता है, जो भी हम उसके सामने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे रहे हैं उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता है और उससे लैंग्वेज को फिर एक्वायर नहीं कर पाता है. तो सिंपल सी वे में अगर समझें तो जो हमारी ये हाइपोथीसिस है, उस हाइपोथीसिस में क्या बोला गया है, इस हाइपोथीसिस में ये बोला गया है कि अगर अफेक्टिव फिल्टर या अफेक्टिव वेरिएबल्स जो हैं डिफरेंट उन पे डिपेंड करता है बच्चे का सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना, ठीक है. अगर हम उसका मोटिवेशन लेवल या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, यानी जितने भी पॉजिटिव वेरिएबल है वो हाई हो और जो नेगेटिव वेरिएबल है जैसे कि एनजाइटी, जो डर है, ठीक है, वो कम हो तो बच्चा उस लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर लेता है. लेकिन अगर हम उसको एक एनजाइटी वाला माहौल दे रहे हैं जहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, डर बना हुआ है कि जल्दी से सीखो, सीख क्यों नहीं रहे हो, इतनी गलतियाँ क्यों कर रहे हो, इस तरह का अगर माहौल देंगे तो जो भी हम उसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे रहे हैं वो बच्चा ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मेंटल ब्लॉक हो जाएगा, यानी माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन अदर वर्ड व्हेन द अफेक्टिव फिल्टर, अफेक्टिव फिल्टर क्या है, यहाँ पे है एंजाइटी, ठीक है, इज अप, यानी एंजाइटी अगर हाई है, उसके अंदर अगर डर हाई है, इट तो क्या होगा, इट इम्पीड्स लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वो क्या है, लैंग्वेज को एक्वायर करने में बाधा बनेगा, रुकावट बनेगा. तो हमें क्या करना है कि बच्चे को एक एंजाइटी फ्री सिचुएशन देनी है, एक एंजाइटी फ्री माहौल देना है ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को ग्रहण करे और लैंग्वेज को एक्वायर कर सके. और लास्ट हाइपोथीसिस जो है इसमें वो है द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथीसिस. दिस इज बेस्ड on research finding that suggested that the acquisition of grammatical structures follow a natural order. तो natural order hypothesis में क्या बताया है कि बच्चा किसी भी language को जो सीखता है उसके जो structures हैं उनको जो सीखता है वो एक natural order में सीखता है, ठीक है. For a given language some grammatical structures tend to be acquired early while other late. यानी किसी भी language के लिए कुछ grammatical structures जो होते हैं उन्हें बच्चा पहले सीखता है और कुछ को बाद में. ऐसा नहीं है ना कि बच्चा
हाई लेवल की इंग्लिश को पहले सीख लेगा और बेसिक इंग्लिश को बाद में सीखेगा, नहीं। सारे बच्चे क्या है, बेसिक इंग्लिश को पहले सीखते हैं, इंग्लिश क्या बेसिक लैंग्वेज को पहले सीखते हैं और फिर हाई लेवल की लैंग्वेज को बाद में सीखते हैं। तो क्या है, वो एक नेचुरल ऑर्डर में किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ये हाइपोथेसिस यही कहती है, ठीक है। दिस ऑर्डर सीम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर्स एज, L1 बैकग्राउंड एंड कंडीशन ऑफ एक्सपोजर। यानी अब ये जो नेचुरल ऑर्डर में जो सीख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को बच्चे, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि बच्चे की एज क्या है, बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है या उसको उसके सामने उस लैंग्वेज का एक्सपोजर कैसा रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो 30 साल में अगर इंग्लिश को सीखेगा तो भी ऐसा नहीं है ना कि वो डायरेक्ट हाई लेवल की इंग्लिश को सीख लेगा बिना बेसिक को सीखे, नहीं। सीखना तो उसे वैसे ही पड़ेगा जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना। तो जो ये नेचुरल ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है किसी की भी लर्नर की एज से, वो किस बैकग्राउंड से आया है और उसके सामने कैसी कंडीशन रही है उस लैंग्वेज के एक्सपोजर की, ये बात कहती है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो ये थे टोटल इनपुट हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पांचों आने वाली हाइपोथेसिस में क्या क्या बात कही गई है, मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।